गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर डी, मेक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन अ फ्यू स्टेटमेंट्स लाइक दिस एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैम इन टू क्वेश्चन सेंटेंस. ओके, यस. सो बिफोर कन्वर्टिंग दिस स्टेटमेंट इन टू क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, लेट्स चेक आउट द रूल. First is, if any sentence is given in simple present tense, okay, then you have to use the word does, or you can also use the word do. If he, she, it or name is given, then you have to use does. If I, we, they, you is given, are given, then you have to use the word do at the beginning of the sentence. Let's understand this with the help of an example. He plays cricket. So it is a sentence of simple present. So we can see he is used. So what you have to do? You have to write, does he play cricket? The verb will always be used in its root form or base form, and you have to write a question mark after the end of the at the end of the sentence. Okay, second example is, they play cricket. Here they is used, they. For if they is used, then you have to write do at the beginning of the sentence. Do they play cricket, and then a question mark. तो हमें डी पार्ट में जो है, आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हैं. आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसको आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है. तो हम एक रूल्स पढ़ते हैं, उसके हेल्प से हम इजीली वो कर सकते हैं. जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, जिसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको दिया हुआ हो और तो ही, शी, इट या नेम है, तो क्वेश्चन बनाते टाइम डस का यूज़ होगा. अगर आई, वी, दे, यू है, तो क्वेश्चन बनाते टाइम डू का यूज़ होगा. ठीक है, जैसे ही प्लेस क्रिकेट दे रखा है, तो यहाँ पे ही है, तो ही आते आपको आगे क्या लगाना है? डज लगाना है, फिर ही लगाना है, फिर प्ले लगाना है, फिर क्रिकेट. प्लेस का हो जाएगा प्ले. क्यों? क्योंकि ये जो है रूट फॉर्म में होना चाहिए हमेशा हमारा वर्ब. ठीक है, इसलिए. सेकेंड है, अगर आई, वी, दे, यू है, तो आपको डू लगाना है. जैसे कि दे प्ले क्रिकेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे लिखा हुआ है ना, तो दे आते आपको याद रखना है कि दे आ गया, और ये सिंपल प्रेजेंट में भी है, तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए डू को आगे लिखना पड़ेगा, और दे प्ले क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये आपका पहला रूल था. अगर मान लो, ये ध्यान रखना कि जो वर्ब होगा, वर्ब का मतलब, जो वर्ब का क्या मतलब होता है, जो एक्शन होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? बेस फॉर्म में होगा. ठीक है, जैसे प्ले है, तो प्ले का क्या हो सकता है? प्लेस, प्लेइंग, प्लेड, ये सब अलग अलग फॉर्म है. पास्ट पार्टिकल में है, कोई कॉन्टिन्यूस में है, कोई जेरेंट फॉर्म में है, बट आपको उसका बेस फॉर्म प्ले लिखना है. ठीक है, वर्ब विल गेट कन्वर्टेड इनटू रूट फॉर्म और बेस फॉर्म. नाउ सेकंड इज सिंपल पास्ट टेंस, जो आपका भूतकाल में होता है. ठीक है, वी यूज डिड. इफ द सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल पास्ट, वी आल्सो यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. सो व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट अ सिंपल पास्ट सेंटेंस, ओके, into a interrogative or question sentence, then you have to use this word did at the beginning of the sentence. How will you know that the sentence is in simple past? We can check the verb if it is in ed form, okay, like played, or in second form, okay, in second form, basically in second form of verb is used. If second form of verb is used, that means it is in सिंपल पास्ट, लाइक ही प्लेड फुट क्रिकेट. नाउ वी कैन सी ईडी इज देयर, इट इज इन सेकेंड फॉर्म एंड इट इज अ सिंपल पास्ट.
इट दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस. सो वॉट वी विल डू, वी विल यूज दिस वर्ड डिड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन ही, देन प्ले, देन क्रिकेट. डिड ही प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क. द वर्ब विल ऑलवेज बी इन द बेस और रूट फॉर्म. ओके, लेट्स चेक वन मोर एग्जाम्पल सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. She cooked food. Did she cook food? Okay, ed, that's why we use did. Cooked will get converted into cook, which is its base form. Now, if the sentence has the auxiliary verb be, am, is, are, was, were, and have, has, had in it, then these auxiliary verb will come at the beginning of the sentences, at the start of the sentence. For example, we are going to market, then we have to bring this verb, auxiliary verb, at the beginning of this sentence. Okay, are we going to market? Here verb will not change. Second example is from your book. He has got a first class ticket. Then we have to write, this has will come at the starting. Has he got a first class ticket? Then we have to write this question mark. Okay? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई सेंटेंस आपका जो है सिंपल पास्ट में है. सिंपल पास्ट का हमें वर्ब को देखने से पता लगेगा. अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगी और ठीक है तो वो सिंपल पास्ट में होता है. सिंपल पास्ट का मतलब भूतकाल. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस दिखता है उसको क्वेश्चन फॉर्म में लेके आना है तो हम डिड का यूज़ करेंगे और जो वर्ब होगा वो हमारा बेस फॉर्म में आ जाएगा. एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट. तो प्लेड है ना बेटा यहाँ पे, तो प्लेड जो है वो आते ही हमें देख लेना है कि सिंपल पास्ट का टेंस है, सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का के लिए होता है. तो प्लेड है तो ही है ना ये वाला, इससे पहले क्या लगाना है आपको, डिड लगाना है. डिड ही प्ले क्रिकेट? प्लेड नहीं आएगा यहाँ पे, प्ले आएगा. ठीक है, नेक्स्ट से चेक करते हैं. जैसे शी कुक्ड फूड है तो लिखना आपको डिड लगाना है आगे, फिर शी कुक फूड. कुकड नहीं आएगा यहाँ पे, अब कुक आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है, जब डिड होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा. ठीक है, इसलिए दूसरा एग्जांपल में बोला गया है कि आपके सेंटेंस में जैसे आपका ऑक्सिलरी वर्ब है बी के अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, या हैव के है, जैसे हैव, हैड, तो उस केस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सेंटेंस के जो है आगे आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट लिखा है यहाँ पे, तो आर आ गया, आर को सेंटेंस के आगे ले आओ, वी के आगे, आर वी, फिर गोइंग टू मार्केट. ठीक है, ऐसे ये हैज़ है ना, इसको आगे ले आओ, ही हैज़ गॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट, ये बुक का ही एग्जाम्पल है आपके, तो हैज़ को आगे ले आओ, हैज़ ही गॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट, फिर लगा दो आप क्वेश्चन मार्क. अगर आपके मोडाल दे रखे हैं जैसे कि मे, कैन, शुड, मस्ट, ये सब मोडाल्स हैं और ये वर्ब में दे रखे हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन को इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, ये मोडाल्स जो है आपके आगे आ जाएंगे. ठीक है, जैसे ही शुड बिहेव प्रॉपरली, शुड ही बिहेव प्रॉपरली, We can go there. Can we go there? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इसी तरह से फ्यूचर में भी होता है. ठीक है, बट अभी आपके में इतना ही है तो मैं आपको अभी इतना ही करवा रही हूँ. सो अब हम देख लेते हैं कि बुक में कैसे दे रखा है. ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही है, पहला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रखा है, ही हैज़ टू ब्रदर्स. अब यहाँ पे काउंटिंग है. ठीक है, तो काउंटिंग के लिए हमेशा हाउ मैनी लगता है, कितने, हाउ मैनी ब्रदर्स, टू ब्रदर्स है ना, तो हाउ मैनी ब्रदर्स. डज ही हैव,
अब हैव क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ब्रदर्स लगा है, तो ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। ठीक है, डस ही हैव। सेकेंड पार्ट से हमें सॉल्व करना है, वो एग्जाम्पल दिया हुआ था। सेकेंड पार्ट है आपका ही हैज गॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट। तो ये मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया था, हैज ही गॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट, फिर लगा देना क्वेश्चन मार्क। यहाँ हर जगह आपको क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। ठीक है, ही शुड बिहेव प्रॉपरली, तो लिखना है शुड ही बिहेव प्रॉपरली। यहाँ पे जो शुड है वो सेंटेंस के आगे आ जाएगा और लास्ट में क्या लगेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाना आपको, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, द बेल्स आर रिंगिंग इन द चर्च, तो लिखना है आर है तो आर आगे आ जाएगा, आर द बेल्स रिंगिंग इन द चर्च, फिर लगाना है क्वेश्चन मार्क। द मीटिंग इज एट 5 PM, तो इज है ना, इज आगे आ जाएगा, इज द मीटिंग एट 5 PM, फिर लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया है हाउ टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। फिल दिस इन योर बुक इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड दैट नोट्स विच आई हैव शोन यू। यू नीड नॉट टू लर्न दिस बट यू शुड राइट इट इन योर नोटबुक सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन चेक दिस आउट, चेक दिस रूल्स। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस ओनली। यू कैन वॉच दिस वीडियो वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक एनी सेंटेंस इन टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, यू नीड नॉट टू राइट दिस, यू शुड नॉट राइट दिस, यू जस्ट वॉच दिस वीडियो वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक। ओके, यू हैव टू जस्ट फिल दिस इन योर नोटबुक बुक। तो आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।